हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको रिव्यू देंगे 5405 जॉन डियर जो दिसंबर में लॉन्च हुआ है नया मॉडल। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके आगे बोनट से। तो ये बड़ा ही शानदार बोनट ये जो आपको मिल रहा है, यहाँ पे दो हेलोजन हेडलाइट्स के साथ आपको मिलते हैं, बीच में आप जॉन डियर का लोगो देख सकते हैं, जो कि बड़ी आसानी से इसका बोनट ऐसे खुल जाता है। तो इंजन में दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एयर फिल्टर मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्यारा सा हॉर्न यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बैटरी कट के लिए भी इन्होंने सुविधा दी हुई है। यहाँ पर अगर हम बैटरी का कट करना चाहते हैं कनेक्शन, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेडिएटर मिल रहा है हमारे को। रेडिएटर के आगे हमें टर्बो एयर कूलर मिल रहा है। टर्बो एयर कूलर के आगे आपको डीजल कूलर की भी जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर दी जा रही है। तो आइए फ्रेंड्स, इस साइड से आपको दिखाते हैं। तो ये बड़ा ही शानदार प्यारे से कलर के अंदर आपको इंजन पूरे ग्रीन कलर में देखने को मिल जाएगा, सेल्फ मोटर, और ये बड़ी ही आसानी से शानदार तरीके से बंद होने वाला बोनट, बड़े ही आराम से आप इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पर बैजिंग आप जॉन डियर की देख रहे हैं बड़ी शानदार तरीके से। यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं जो मोबिल फिल्टर जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, उसके ऊपर हाइड्रोलिक पंप और पावर स्टेयरिंग पंप हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर सेपरेटर जो हमें मिल रहा है, वाटर सेपरेटर। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोटेक्शन देख सकते हैं जो हमें हीट से बचाती है नए मॉडल के अंदर, जो आप ये शानदार तरीके से आप देख सकते हैं, बड़ी प्रीमियम लुक के अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएगा 5405 के अंदर। तो आप देख सकते हैं बड़े ही शानदार इंडिकेटर यहाँ पर दिए गए हैं बड़े ही प्रीमियम लुक के अंदर। तो आइए फ्रेंड्स, ये आप टायर साइज यहाँ पर देख सकते हैं, इनका जो टायर साइज हमें मिल रहा है 16-9-30 का टायर हमें रियर टायर मिल जाएगा। रियर टायर का साइज 16-9-30 आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो माइक्रो कार्बोनेटेड पंप आपको देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे डीजल फिल्टर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए ये आपको फ्रंट एक्सल के बारे में बताते हैं। फ्रंट एक्सल जो सिंगल पैनल एक्सल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर पावर स्टेयरिंग की सुविधा देख सकते हैं, सिंगल पावर स्टेयरिंग यहाँ पर बड़ा ही शानदार तरीके से इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर आपको ग्रीस के लिए जो ऑप्शन है, आपको ग्रीस गन के लिए वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बड़े ही आसानी से आप यहाँ पर ग्रीस कर सकते हैं। वेट देख सकते हैं आप, जो फ्रंट में वेट इन्होंने लगाए हुए हैं, ये 40 केजी पर पीस वेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, बड़े ही शानदार तरीके से जो चार वेट जो इसके साथ हैं वो एजेंसी आपको प्रोवाइड करती है। इंजन के अंदर आप टर्बो देख सकते हैं, बड़ी शानदार इन्होंने टर्बो और साइलेंसर जो इसके इंटीरियरली फिट है, अंदर से ही इंजन के अंदर से ही डायरेक्ट साइलेंसर जो इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। ये प्रोटेक्शन आप जाली देख सकते हैं, इंजन प्रोटेक्शन के लिए जाली यहाँ पर लगाई हुई है इंजन प्रोटेक्शन के अंदर, बोनेट के अंदर ही आपको मिल जाएगी। ये कूलेंट बॉक्स आप इंजन में देख सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि रेडिएटर के अंदर आपको बार बार कूलेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कूलेंट का अलग से बॉक्स है, यहाँ पर हम इसका लेवल चेक कर सकते हैं कूलेंट की, ट्रैक्टर के अंदर कितना कूलेंट बचा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर चढ़ने के लिए जो फुट पैनल, बड़े ही शानदार तरीके से इन्होंने बहुत ही सुंदर डिजाइन के अंदर फुट पैनल दिया हुआ है। ग्रिल्स आप सब देख सकते हैं, दो ग्रिल्स प्रोवाइड की हुई है, जो कि बड़ी आराम से बड़ी ही बिल्कुल आसानी से आपको ऊपर चढ़ने के लिए मदद करती है। बड़ी कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड की हुई है, आर्मरेस्ट भी दोनों तरफ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बड़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। स्टेयरिंग आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि स्टेयरिंग आप एडजस्टेबल स्टेयरिंग है, जैसे कि कार के अंदर हम सभी देख सकते हैं स्टेयरिंग ऊपर नीचे करने की सुविधा आपको मिल जाएगी। ये यहाँ पर जो लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, लाइट आप सभी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक हॉर्न का बटन आपको देखने को मिल जाता है, जो मैनुअल ट्रेस है, जो मैनुअल आपको देखने को ये मिल जाएगा पैनल। इस साइड आप सभी देख सकते हैं कि इंडिकेटर्स के लिए बहुत ही शानदार इन्होंने बटन यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। चार्जिंग पॉइंट आप सभी को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मीटर के साथ एक डिजिटल मीटर के पास आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है 12 वोल्ट का। स्टेयरिंग के ऊपर बड़ी शानदार जॉन डियर की बैचिंग आप सभी देख सकते हैं, एडजस्टेबल स्टेयरिंग के साथ, फुली डिजिटल मीटर के साथ आपको यह ट्रैक्टर प्रोवाइड करती है कंपनी, फुली डिजिटल मीटर के साथ भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिजिटल मीटर आपको देखने को मिल जाता है बड़े ही शानदार तरीके से देख सकते हैं आप। ऊपर आपको सबसे ऊपर पहले ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा फ्यूल इंडिकेटर, उसके साइड में हमें यहाँ पर ऊपर कोने में
हीट 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 मीटर देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर, बड़े ही शानदार। यहाँ पर एक बटन भी दिया गया है, ड्रिप मीटर भी दिया गया है यहाँ पर, ड्रिप और फुली डिजिटल मीटर के साथ हमें ये ट्रैक्टर प्रोवाइड किया करती है कंपनी। जो यहाँ पर हमें प्रो गियर मिल जाता है, प्रो गियर गियर फैसिलिटी इसके अंदर, जो 12 फॉरवर्ड गियर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे और 4 रिवर्स गियर देखने को मिल जाएंगे। जो प्रो गियर है उसके पीछे आप सभी देख सकते हैं पीटीओ लीवर, जैसे कि यहाँ पर बड़े ही सुंदर डिजाइन के अंदर पीटीओ लीवर मिल जाता है। उसके नीचे आप सभी देख सकते हैं रिवर्स पीटीओ के लिए भी यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई है। क्लच और ब्रेकिंग सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ड्यूअल क्लच के अंदर ये ट्रैक्टर मिल जाता है आपको। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही हाई ब्रेकिंग, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग इस ट्रैक्टर में आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो मेन जो गियर सिस्टम है उसके नीचे आपको बोतल स्टैंड देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही एक कंफर्टेबल लुक देता है ट्रैक्टर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लिफ्ट मैनेजिंग सिस्टम है वो बटन सिस्टम में दिया गया है, जो कि टॉप मॉडल में इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है। बटन से लिफ्ट जो हम ऑपरेट करते हैं वो बटन ऑपरेटिंग लिफ्ट आपको यहाँ इस ट्रैक्टर में मिल जाती है। यहाँ पर जो कंट्रोलिंग के लिए लीवर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, बड़े ही शानदार और बड़ी ही ग्रिप, बहुत अच्छी ग्रिप के साथ प्रोवाइड किए गए हैं कंट्रोलिंग लीवर। और यहाँ पर एक छोटा लीवर आप प्रेशर हैरो के लिए भी यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया जाता है। बैक साइड में दोस्तों आप सभी देख सकते हैं जो 68 लीटर का हमें बड़े ही प्रीमियम लुक के अंदर डीजल टैंक देखने को मिल जाता है, लॉक कैप के साथ, जिसके कैप के ऊपर यहाँ पर लॉक भी प्रोवाइड किया गया है, एंटी थेफ्ट लॉक। टूल किट आप सभी देख सकते हैं मडगार्ड के ऊपर, जैसे कि टूल किट बड़े ही प्रीमियम लुक के अंदर यहाँ पर टूल किट भी प्रोवाइड की गई है, लॉकिंग एरिया भी साथ में इसके प्रोवाइड किया जाता है। इंडिकेटर आप सभी देख सकते हैं और बैक लाइट टेल लाइट जिसको हम बोल देते हैं, बड़े ही प्रीमियम लुक के अंदर यहाँ पर टेल लाइट भी प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आप सभी बटन देख सकते हैं जो लिफ्ट के लिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा बटन भी लिफ्ट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर सेंसेबल बटन जो है प्रोवाइड किए गए हैं बैक साइड में भी। नीचे आप सभी लिफ्ट देख सकते हैं ट्रैक्टर की लिफ्ट, जो कि हमारे को 2000 किलो की कैपेसिटी के साथ इसकी लिफ्ट हमें मिल जाती है ट्रैक्टर की। और हुक आप सभी देख सकते हैं बड़ा ही मजबूत तरीके से, बहुत ही शानदार बढ़िया लुक यहाँ पर हुक प्रोवाइड किया गया है आप ट्रॉली वगैरह जोड़ने के लिए, उसको अपनी हाइट से आप ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। हुक के नीचे जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर पीटीओ प्रोवाइड की गई है, 55 हॉर्स पावर की पीटीओ हमें इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाती है। और डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जैसे कि हम प्रेशर हैरो वगैरह अटैच करने के लिए हमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ही बढ़िया इसकी बैक लुक आप सभी ट्रैक्टर की आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पीटीओ के ऊपर आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर हमें हाइड्रोलिक गेज, जो कि क्वांटिटी मोबिल की क्वांटिटी मापने के लिए भी यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है, तो बड़ा ही शानदार लुक जैसे कि हम बैक में देख सकते हैं। बैक लाइट भी यहाँ पर एडजस्टेबल प्रोवाइड की गई है, बहुत ही शानदार लुक बैक से इस ट्रैक्टर का, जो कि बहुत प्रीमियम लुक इस ट्रैक्टर को प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको 5405 जॉनडियर की ये रिव्यू की वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृषि से जुड़ी अधिक जानकारियों के लिए दीपू शर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।